नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत। आज हम तीसरा इकाई शुरू करेंगे। यह इकाई अंधकार में दिया जलाने वाले लोगों की संवेदनशीलता को सूचित करती है। विख्यात जर्मन कवि बर्तोल्ड ब्रख्त की डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र नामक कविता सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक और कार्यकर्णी डॉक्टर रमणी अटकुरी की डायरी कबीर व रहीम के दोहे लोककथा बटेऊ आदि इस इकाई की विशेषताएं हैं। इनके अलावा टिप्पणी लिखने, अनुवाद करने और देवनागरी अंगों का परिचय पाने का अवसर भी है। गरीबी का असर समाज पर पड़ता है। समाज से गरीबी हटाने के लिए हर एक को अपना कर्तव्य निभाना है। कुछ डॉक्टर और कुछ अस्पतालों के मालिक मरीजों का शोषण करते हैं। बर्तोल्ड ब्रख्त द्वारा लिखित एक कविता है डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। बर्तोल्ड ब्रख्त की यह कविता चिकित्सकों के नाम मजदूर वर्ग का पत्र है। सबसे पहले कवि बर्तोल्ड ब्रख्त का परिचय करेंगे। बर्तोल्ड ब्रख्त का जन्म जर्मनी के ओर्ट्सबर्ग में 1898 में हुआ था। अंग्रेजी और चीनी साहित्यों में आप बहुत रुचि रखते थे। आपने निबंध, नाटक, कविता आदि अनेक विधाओं में रचनाएं की। आप प्रमुख सामाजिक दार्शनिक भी थे। 1956 अगस्त 14 को आपका देहांत हुआ। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे डॉक्टर के नाम मजदूर का पत्र। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है सिर्फ तुम ही डॉक्टर हमें बचा सकते हो। जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने, तब तो तुम हमें अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, मजदूर वर्कर, मालूम टू नो, बीमारी डिसीज सिर्फ ओनली, गरीबी पॉवर्टी, खर्च करना टू स्पेंड, शिक्षा एजुकेशन, पाना टू एक्वायर, अवश्य सर्टनली, स्वस्थ हेल्थी। तो बच्चों, बर्तोल्ड ब्रख्त की यह कविता चिकित्सकों के नाम मजदूर वर्ग का पत्र है। दुर्भाग्य से भारतीय मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उनके जीवन में अभाव ही अभाव है। यहाँ कवि मजदूर वर्ग की यथार्थ स्थिति की ओर संकेत करते हैं। मजदूर कहते हैं, हमें अपनी बीमारी का कारण मालूम है। हमें नहीं, सबके सब जानते हैं पर कोई नहीं कहता है। वह एक छोटा सा शब्द है। इसे सुलझाने हमारे राजनेताओं ने आज तक गंभीर प्रयास नहीं किए। जब हम बीमार पड़ते हैं तब बताया जाता है कि केवल डॉक्टर ही हमें बचा सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि इनकी यथार्थ बीमारी गरीबी है। मजदूर पूछता है, आम जनता के पैसे से बने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक पढ़कर तुमने डॉक्टर की शिक्षा पाई है, तब हम जैसी आम जनता को तुम अवश्य अच्छा कर सकोगे। क्या सचमुच तुम हमें स्वस्थ कर सकते हो? आम जनता के पैसे से बने मेडिकल कॉलेज में पढ़े एक डॉक्टर को उक्त जनता के बारे में कुछ दायित्व है। कवि इसकी याद दिलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस पोएम विच इज रिटन बाय बर्तोल्ड ब्रख्त इज अ लेटर ऑफ द वर्किंग क्लास फॉर द डॉक्टर। The condition of the working class in India is absolutely pathetic. Through this poem, the poet points out the real state of the working class. The working class says that not only them but everyone know about their disease. But nobody says anything about that. Up to this day, the leader had done nothing to alleviate that disease.
They said that only the doctor could help them. Here the poet intends to say that the real disease of the working class is hunger. They asked the doctor, "You all became doctors by spending a lot of money for 10 years in the medical college built by the money of the public. So you have to treat our disease. Can you really restore our health?" तो बच्चों, बर्तोल्ड ब्रख्त द्वारा लिखित डॉक्टर के नाम मस्तूर का पत्र नामक कविता के पहला भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।